हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। और आज की वीडियो की शुरुआत हो गई है और सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं 6 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँ, तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे जो है, मैं उठ के अपना जो रोज़मर्रा का काम होता है उसको ख़त्म कर चुकी हूँ। ख़त्म करने के बाद जो है, जैसे कि ब्रश वगैरह जो भी होता है, और ये पालक ना मैंने रात में ही कट वट करके रख लिया था, क्योंकि ऐसी सब चीज़ें सुबह में नहीं हो पाती है ना, जल्दी रहता है तो इस वजह से। और यहाँ पे आलू पालक की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। अच्छा, टमाटर और बैंगन कुछ भी नहीं डालूँगी, बस आलू पालक और प्याज डालूँगी। यहाँ पे तड़के में मैंने तेज़पत्ता, जीरा और थोड़ा सा हींग डाला है, और बस वही तड़का देके और उसमें आलू भून लूँगी। और आलू भूनने के बाद जो है पालक डाल दूँगी और थोड़ी सी हल्दी, बस इतना ही डाल के, और नमक। मेरी सब्ज़ी बन जाएगी, क्योंकि मैं पालक वगैरह ना, और ये पीछे का ही है ना, आराम से गल जाता है और बहुत चिकना सा अच्छा बनता है। जो पीछे लगा रखी हूँ ना मैं गार्डन में, आप लोग देखे होंगे, तो वही वाला है। और सुबह के टाइम में बहुत ही जल्दी रहता है, सबको ही, सारी हाउसवाइफ को रहता होगा, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे शांतनु को मैंने बीच में उठा भी दिया, आटा वगैरह गूंथ दिया, और ये देखिए मेरी सब्जी। सब्जी भी 2 मिनट में बन जाएगी, बस इसमें मैं हल्दी डाल चुकी थी और बस डाल दूँगी नमक, और डाल के फिर इसको थोड़ा सा सुखा लूँगी और सब्जी तब तक बन जाएगी। तब तक इधर मैं पराठे बना लेती हूँ। 8-10 मिनट आटा रख दो ना, तो पराठे भी अच्छे बन जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले मैं आटा ही गूँथ लेती हूँ ताकि फटाफट बन जाए, अच्छे पराठे बने रोटी के। और मैं ना रात का आटा रखा नहीं पराठे बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ना रात का बनाएंगे ना तो इसके पापा थोड़े से पसंद नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको पता चल जाता है। सुबह मैं ही आटा गूँथती हूँ और उसका टेस्ट भी अलग आता है। अगर आप सुबह का आटा गूँथ के और पराठे बनाइए, उसका टेस्ट अलग आता है, और जो रात के बचे आटे का बनाओ ना तो उसका टेस्ट अलग आता है। तो इस वजह से मेरे यहाँ नहीं पसंद करते हैं लोग। और उसके बाद मैं लेके चली गई शांतनु को छोड़ने। अच्छा, ये सैटरडे की वीडियो है, तो देव और उसके पापा के आज छुट्टी है, पर शांतनु की छुट्टी नहीं थी, तो मैं शांतनु को छोड़ने चली गई थी। आने के बाद हम लोग एक कप चाय पिए हैं, क्योंकि आज शनिवार था इसलिए साथ में चाय पिए। अब थोड़ा मौसम थोड़ा ठंडी से अच्छा होने लगा है, तो इस वजह से थोड़ा सा आज मन कर रहा था। उसके बाद इधर आ गई पीछे, और ये कंबल ना धो रखी थी मैं, जो कम्बल मैंने मशीन में ही डाल दिया था, धुल गया था। ये मशीन बहुत ही अच्छी है, जिसमें मतलब मैं कम्बल वगैरह डाल देती हूँ, धुल जाता है आराम से, अच्छे से। और मैंने थोड़ा इजी वगैरह डाल दिया, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। इसमें थोड़ा स्मेल जैसा आ रहा था, क्योंकि सर्दियों में हो जाता है ना थोड़ा सा, तो मैंने डाल दिया, धुल गया। अब धो के इसको रख दूँगी, अब ये अगले साल ही निकलेगा, तो 2-3 दिन तो कम्बल सूखने में ही लग जाएगा। वैसे मशीन में का है तो थोड़ा कम सूखेगा, लेकिन इधर धूप कम आ रही है, आप लोग देख रहे हो ना, तो इसको मुझे आगे डालना पड़ेगा। थोड़ा सा सूखेगा, फिर आगे ना टेबल पे 2 दिन डाल दूँगी तो अच्छे से सूख जाएगा। और जब कपड़े सर्दियों के अच्छे से सूखते हैं ना, तो फिर उसको 6 महीने रखना होता है, इस वजह से अच्छे से ही सुखा के रख दूँगी। और यहाँ पर जो है, मैं अब ये ना कालीन जो है, ये दोनों रूम में डाल रखी थी, आप लोगों ने देखा होगा कई सारी वीडियो में, तो इनको भी धोना था तो मैं भिगो दूँगी। अच्छा, दोनों एक में नहीं आ रहे थे, तो दोनों में सर्फ मैं लगा के और उसके बाद थोड़ी देर रख दूँगी गर्म पानी में, मैंने भिगोया है। और उस तब तक कर लेते हैं अपना काम। और ये बैग शांतनु को लेने जाती हूँ, तो जैसे लेके ही जाती हूँ तो यहीं पे टांग दी, कि फिर मुझे लेने जाना है उसको, तो इस वजह से। और इसके पापा जो है उठ के अभी नाश्ता के लिए मना कर दिया, नाश्ता तो बन गया है, जब बोलेंगे तब बना दूँगी, तब तक फटाफट अपना काम कर लेती हूँ। अभी मेरे पास बहुत ही टाइम थे, इनको ना 9-9:30 तक आदत है ना नाश्ता करने की, ऑफिस जाते हैं तो उसी टाइम इनको भूख लगता है, तो मैंने कहा चलो तब तक अपना काम कर ले जो डेली रूटीन का है। तो झाड़ू लगाऊंगी पूरा अच्छे से, हर जगह झाड़ू लगा के उसके बाद लगाऊंगी पोछा। और देव अभी सो रहे हैं, देव को नहीं उठाए हम लोग, लेकिन जब तक मैं अभी सफाई कर रही थी तब तक देव उठ भी गए थे। तो यहाँ पर अच्छे से मैं कोने कोने में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो जी, यहाँ पे शांतनु सो रहे हैं बेडरूम में, तो इस वाले कमरे को भी साथ में ठीक कर लूँगी और इसमें भी झाड़ू लगा लूँगी साथ के साथ ही।
और सुबह में ना इतना उथल पुथल रहता, हर जगह बच्चों के बैग कपड़े ये वो पड़े ही रहते हैं। तो आज सर दोनों लोग नहीं गए हैं, ये लोग इनके तो नहीं है, तो इसलिए हल्का सा वो था बस, जो है शांतनु का ये ट्यूशन वाला बैग था और जो है एक देव का बैग था, यही है। और यहाँ पे इसको भी मुझे ये कपड़ा चेंज करना था, शांतनु यहाँ पढ़ाई करते हैं टेबल पर बैठ के, ये खैर शांतनु के लिए ही रूम बनाए हैं ताकि शांतनु इसमें अपना बैठ के पढ़ाई वगैरह करे। तो वो अभी ना हमारे साथ ही मतलब कमरे में ही लेटता है, तो इसमें इसके पापा सो जाते हैं और या कोई आता है तो रहता है, आगे वाले भी है जैसे आप लोगों ने देखा होगा तो वो भी है। और उसके बाद थोड़ी सी करूँगी यहाँ पे डस्टिंग, क्योंकि ये भी ना थोड़ा सा ज़रूरी है, आज सामने का है ना तो धूल वगैरह हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से यहाँ पर कॉलिंग से जो है मैं अच्छे से यहाँ पर पूरा साफ़ कर दूँगी। सफ़ेद है ना तो सफ़ेद पर धूल ना, और एकदम सामने है दरवाजे के तो धूल वगैरह हो जाता है, साथ में टीवी भी साफ़ कर दूंगी। और ये साइड में ना धूल चिपक जाती है, पता नहीं चलता है, लेकिन वाइट है ना तो इस वजह से इस पर थोड़ा अगर हाथ वगैरह लगाओ ना तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे जो है देव भी अब उठ के आ गए हैं, तो उनके पापा जो है उनको ब्रश वगैरह करा देंगे, इतना काम ये कर देते हैं बच्चों को ब्रश वगैरह। जैसे देव को हम लोग नहीं छोड़ते हैं क्योंकि थोड़ा सा ना अच्छे से हम ही लोग करवा देते हैं, छुट्टी वाले दिन हो या ऐसे भी हो, अभी इसको हम पूरा नहीं छोड़ते हैं खुद से करने के लिए। तो उसके पापा ब्रश वगैरह करा देंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक दो बर्तन हैं, जैसे कि आजकल हाउस हेल्पर ना मेरी नहीं आ रही है, आप लोगों को पता होगा जो शुरू से देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो यहाँ पे जो मैं बर्तन धोती हूँ ना तो रात का रात ही धो लेती हूँ, जैसे एक दो होता है मैं साथ के साथ ही निपटाती जाती हूँ, इकट्ठा नहीं करती हूँ। हेल्पर के साथ में क्या प्रॉब्लम होती है ना कि हेल्पर है तो आपको मतलब वेट करना पड़ेगा, वो आएगी तो बर्तन धोएगी तो फिर कुछ होगा, तो सिंक भी गंदा गंदा सा रहता है। लेकिन जब से मेरे हाथ में ये लगा है ना तो मैंने पूरा मतलब एक दो ही बर्तन आराम से धो लेती हूँ, और देखिए एकदम साफ़ है, एकदम साफ़ सुथरा है, साथ के साथ आगे पीछे आदमी मारता रहता है तो साफ़ भी रहता है। अच्छा अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। अच्छा पोछा मैं ना वाइपर से ही लगाती हूँ, बैठ के मेरे से नहीं लग पाता है, जैसे सिजेरियन बच्चे हैं ना मेरे तो थोड़ा पेट वगैरह की वजह से ना मैं नहीं बैठ के कर पाती हूँ, और मेरे से वाइपर से अच्छे से लगता है, बैठने से ज़्यादा मैं अच्छे से कर लेती हूँ। अच्छा कहीं ऐसे बैठने की ज़रूरत पड़ती है तो बैठ के भी लगा लेती हूँ। और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, नहाने के बाद जो है इन लोगों को नाश्ता वगैरह बना के दूँगी पूजा वूजा करने के बाद। तो सबसे पहला काम है मेरा पोछा लगाना, उसके बाद जो है और पीछे थोड़ा जाके मैं धो देती हूँ, जैसे कि पीछे धूल मिट्टी रहता है ना तो उसको भी थोड़ा सा पानी लगाऊंगी और फटाफट साथ के साथ धो दूंगी, फिर नहा के पूजा वूजा करके इनको नाश्ता दूंगी। और अभी ये नहा धो के जब मैं ना नाश्ता कर रही थी तभी एक वो आ गया था सब्जी वाला, तो काफ़ी मतलब अच्छे से वो जो गाड़ी वाड़ी से नहीं आते हैं छोटी वाली, तो उससे आया था तो काफ़ी अच्छे रेट पर सब्जी दे रहा था, तो मैंने उससे थोक से ही ले लिया, जैसे कि 2.5 किलो आलू, 2 किलो प्याज, ऐसे 2.5 किलो करके आधा किलो बीन्स इस टाइप से लिया और लेके। और उसके बाद अब इन सबको अच्छे से टोकरी वगैरह में जो भी जहाँ रखती हूँ सेट कर दूँगी। और इधर आया था मम्मी का फ़ोन तो मैं बात भी कर रही थी, तो आलू में रखने को सोची ना तो आलू में अभी बालू है, तो आलू में बालू ये तो कॉमेडी ही हो गया। तो आलू में ना क्या हुआ कि देखने में साफ़ है लेकिन छूने में ना बालू बालू सा लग रहा है, तो उसको पहले धो लूँगी तब रखूँगी, तो मैंने उसको नहीं रखा। और गाजर भी ले लिया, मैंने सोचा यार ना इस बार लास्ट बार इन लोगों को हलवा गाजर का खिला दिया जाए। और गोभी के जगह मैंने ब्रोकली लिया, अदरक आधा केजी लिया, और ये थोड़े से ना मूली के पत्ते थे, और मूली पीछे गार्डन की ना मैंने सारी मूली निकलवा दिया, अब वो ख़राब हो रहा था तो इसी वजह से निकलवा दिया। तो वहाँ पे अब भिंडी वगैरह लगेगी तो ये थोड़ा सा था, तो मैंने कहा चलो इसको काट के रख लूँगी और इसको आज बना देंगे। तो फ्रेंड्स ये लेने चली गई थी मैं, खाना आई शांतनु को लेकर ना, तो खाना वाना खिलाई हूँ उसके बाद लेने गई हूँ, और ये वेलवेट का सूट मैंने मंगाया था ना तो वो पहन रखी हूँ, और पूरे वेलवेट है लेकिन दुपट्टा नेट का अलग से, इसमें दुपट्टा नहीं था तो वही लिया है। और बच्चे भी रेडी हो गए हैं, गिफ्ट भी रेडी हो गया, और शांतनु बैठा है नीचे। क्या हुआ जी, तू नीचे बैठे हो? उसके हैंकी भी इसके पॉकेट में डाल दो, तय करके मैं पर्स नहीं ले जा रही हूँ ना। इसके पापा भी रेडी हो गए हैं, सब लोग रेडी हो गए हैं तो बुक कर रहे हैं आप चल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। और हम लोग रेडी होके कहीं जा रहे हैं, ये भी रेडी हो गए हैं,
और मैं उसके बाद से कोई वीडियो ही नहीं बना पाई क्योंकि मैं चली गई थी गिफ्ट लेने के लिए। तो ये जिनके यहाँ जा रहे हैं उनका गिफ्ट है, और कुछ चीज़ें मुझे अपने लिए भी लाना था, तो मैं सैटरडे संडे में ही ज़्यादातर करती हूँ जैसे आप लोगों को बताती हूँ। तो ये हमने शांतनु के लिए ना एक बॉटल ले आई, स्कूल जाने के लिए इसके पास बॉटल नहीं था, और एक देवा के लिए कार ले आए। देवा बहुत ही खुश है, तो इसको कभी दिखाएंगे। तो मैं चली गई थी मार्केट इनको लेके, ये भी गए थे। उसके बाद ना घर का जो है एक कप सेट जो है खराब हो गया था, खराब नहीं था लेकिन एक होता है ना कि एक एक्स्ट्रा रखते हैं, तो वो ले फ्रेंड्स ये वाला कप सेट अपने घर के लिए लेके आई मैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला। और उसके बाद और हम लोग सब लोग रेडी हो गए, निकल ही रहे थे, और ये वाला कप ना मुझे बहुत ज़रूरी था क्योंकि एक एक्स्ट्रा में रखना चाहिए ना कोई आए और वो करे। तो और बच्चे यहाँ पे भी रेडी हो गए हैं, देखिए बच्चे भी रेडी हो गए हैं और ये भी रेडी हो गए हैं पहन के। तो बच्चे बाहर, बच्चे कहीं भी जाते हैं बहुत खुश रहते हैं, और गिफ्ट छोड़ दिया है, गिफ्ट मुझे लेके जाना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं, और ये सब सामान करने जाओ कहीं मार्केट, तो छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं ना, जैसे शांतनु का ज्योमेट्री बॉक्स लाना था वो भी लेके आई, और कल भी मुझे छोटी छोटी चीज़ें लाना है तो ले आऊँगी। तो चलिए अब चलते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और ये घूरते रहते हैं पता नहीं क्यों मुझे, निकलो निकलो। तो चलिए ये बच्चे, और मौसम बहुत ही सुंदर है, बच्चे स्वेटर पहने, मैंने वेलवेट का पहना इसलिए स्वेटर नहीं डाला। हेलो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।